टाइगर के फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन शुरू होगी स्टूडेंट आई ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग। इन दिनों टाइगर अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 2 की शूटिंग में व्यस्त हो चुके हैं। इस बात की जानकारी टाइगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दी थी। शेयर की इस तस्वीर में टाइगर के साथ बागी 2 की पूरी टीम भी नजर आ रही थी। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन तले बन रही इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। वहीं अब हम आपको बता दें कि टाइगर जल्द ही एक और फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, और वो हैं 2012 में आई करण जौहर की स्टूडेंट आई ऑफ द ईयर, जिससे बॉलीवुड के तीन कलाकारों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन। मुंबई मिरर से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने बताया कि हमने फिल्म की शूटिंग शुरू करने का तय कर लिया है, नए साल के शुरुआत में ही फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। मैंने अपनी डेट्स भी फाइनल कर ली है। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि फिल्म में टाइगर के अपोजिट कौन होगी। जब टाइगर श्रॉफ से यह सवाल पूछा गया कि फिल्म की हीरोइन कौन है, तो जवाब में टाइगर ने कहा कि अभी तय नहीं है, खैर हमें जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि फिल्म मेकर करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द दो के लिए चार अभिनेत्रियों का नाम सोच रखा है, सारा अली खान, जाह्नवी कपूर, दिशा पट्टानी और चंकी पांडे की बेटी अनन्या। अब इनमें से तीन हसीनाएं तो भी जी हैं, बच्ची सिर्फ चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे।